जय धर्मेश, जय चाला, जय सरना। दोस्तों, बहुत खुशी की बात है, मुड़मा गांव में चरना झंडा प्रकट हुआ है। उसको देखने के लिए हमारे पुलिस फौजी परिवार के जो सर्विस में अभी सर्विस करते हुए हमारे समाज सेवा में किस तरह से सहयोग और मदद कर रहे हैं, मुड़मा में आए हुए हैं। अभी लोहरदगा क्षेत्र से आदिवासी सहयोग समिति लोहरदगा भारत सा आदिवासी सहयोग समिति मांडा रांची, किस तरह से हमारे सहयोग समिति के अध्यक्ष श्री दयालु राव जो अगुवाई कर रहे हैं, अध्यक्ष है, सर्विस में रहते हुए समाज का सेवा बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। आइए हम सारे लोग मिलके हमारे समाज के लिए इसी तरह सहयोग और मदद करेंगे। आज ये हमारे पास में आज कुछ सहयोग के लिए अपना सामान वगैरह लाए हैं, तो हम उनसे परिचित और उनसे हम बात कराना चाहेंगे कि वो क्या सामान लाए और किस तरह से सहयोग कर रहे हैं और उनकी क्या मानसा, क्या भावना है कि हमारे आदिवासी समाज को सर्विस में रहते हुए समय ना होते हुए भी आर्थिक सहयोग और मानसिक सहयोग और अच्छे सहयोग के साथ में अपना सहयोग दे रहे हैं मुड़मा गाँव में। मेरा नाम है प्रदीप राम, आदिवासी सहयोग समिति लोहरदगा से और लोहरदगा पूर्वी का संस्कृति एवं सभ्यता प्रभार। आज हम यहाँ मुड़मा में चना 24 किलो, गुड़ 12 किलो, मसूर 8 किलो, गिलास 10 पैकेट, प्लेट बड़ा वाला खाने वाला 20 पैकेट, नाश्ता छोटा वाला पैकेट थाली प्लेट 50 पैकेट, चीनी 10 किलो और धुवन 1 किलो। ये हम दोनों का लोहरदगा और मांडर दोनों का मिला करके हम लोग का मकसद है कि आदिवासी समाज को आगे बढ़ाना, जहाँ कहीं भी कोई गिरे हुए हो उन लोग को आगे बढ़ाना, जो नीचे से नीचे हो उन लोग को भी आगे ले जाना, जो बेरोजगार हो उन लोग ले जहाँ तक हो सके उन रोजगार को उपलब्ध कराएंगे धीरे धीरे। अभी तो टाइम लगेगा, अभी शुरुआती दौर है। और रही बात शिक्षा के लिए, तभी शिक्षा हम लोग शुरू कर रहे हैं, कहीं कहीं पर शुरू हो चुकी है। वहाँ पर गरीब बच्चों चाहे हर बच्चों जो आना चाहता है सभी को निःशुल्क शिक्षा देंगे और उसका जो शिक्षक होंगे उनका वेतन हम लोग स्वयं वहन करेंगे। धन्यवाद। तो देख रहे हैं किस तरह से कितना बड़ा सोच के साथ में आ रहे हैं। तो हमारे जो साथी हैं, हम आपसे भी चाहेंगे कि आप अपना परिचय दे के बताएं कि आप लोग का जो एक नया शुरुआत बहुत कम समय में ही इस तरह से जहाँ भी सरना को कुछ प्रोग्राम हो रहा है वहाँ पर सहयोग मदद करने के लिए आप लोग जो दौड़ पड़े हुए हैं, और उसके लिए तो हम सभी को जो यहाँ है आप लोग हैं उनको और बाहर जो आते हैं उनको भी अपनी तरफ से एक सार्वजनिक चितरंजन सैल्यूट करता है। और इसी तरह से हम लोग हर आदमी लोग सहयोग मदद के लिए आए, हम चाहेंगे कि आप भी। मैं संजय मिश, आदिवासी सहयोग समिति रांची का सचिव। जैसे हम लोग को पता चला कि मुड़मा गाँव में झंडा निकला है और ये डर में एक ऐसा दौर है, एक ऐसा मंच है, एक ऐसा आधार है जो आदमी को गोलबंद करता है, आदिवासी गोलबंद करता है। निश्चित तौर पे जब आदिवासी समाज किसी समुद्र के बीच में या ऐसे समय में जब डमाडोल की स्थिति में है, तो सब माचाला का धर्मेश का एक आदिवासी समाज को समझने के लिए एक सुंदर सा दीप जला, झंडा स्वरूप या खखड़ा स्वरूप ऐसा प्रदर्शित होकर अलौकिक शक्ति दिखने के लिए मिल रहा है, जिससे हम आदिवासी जो अपने धर्म और समाज से भटक के कहीं दूसरे ओर जाने के लिए तैयार थे मगर वही चीज़ हम आज साक्षात दिखाई दे रहे हैं। तो आज इस चीज़ को समझना चाहिए, जानना चाहिए कि हम भी उस धर्म उस समाज से बिलोंग करते हैं जहाँ पर अलौकिक शक्ति है, प्राकृतिक की सुंदर देन है, शक्ति है, उसको जानना है, उसको समझना है। मैं सभी भाइयों से जो भी चितरंजन दा के यूट्यूब के माध्यम से आप लोग जो वीडियो और भी काफ़ी वीडियो वगैरह देख रहे हैं और इस तरह का जो अलौकिक शक्ति और सुंदर सरना माँ का दर्शन मिल रहा है उसको जानना है और समाज और धर्म के तहत हम लोग गोलबंद होना है। आज ये आदिवासी सहयोग समिति का जो ग्रुप बना है इसमें विशेषकर हमारे आर्मी पुलिस भाइयों का सुंदर सहयोग है और इस सहयोग के तहत, इस ग्रुप के तहत एक सुंदर विचार और एक मंशा बन रहा है कि आदिवासी समाज का विकास उत्थान के लिए सुंदर कार्य करेंगे। स्कूल कॉलेज के साथ ही गांव लेवल में जो सांस्कृतिक है, जो परंपरा है, भाषा है, उस क्षेत्र में भी हम कार्य करेंगे, ऐसा मंशा ऐसा सोच लेके हम लोग संगठित हो रहे हैं। और आज छोटा कार्य करने का हम लोग को मौका मिला, हम लोग बहुत अच्छा लग रहा है कि इस मुड़मा गांव में कितना में ये से ये गांव घर के लोग माँ सरना का पूजा प्रार्थना कर रहे हैं और गाँव घर में सुखी शांति के लिए, इस आदिवासी समाज के लिए, इस पृथ्वी के लिए, पूरे मानव जाति के लिए, इस संसार में जितने भी
जीव जंतु सबके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, सबको मिलजुल के प्रार्थना कर रहे हैं, सब को सुख शांति मिले। ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, इतना ही करके मैं अपनी बात को विराम करता हूँ। सबको जय धर्म। सचमुच संजय जी बहुत अच्छा बात बताए। आज इसी तरह से ये बहन जी है, इन्हीं के घर में मतलब झंडा प्रकट हुआ है। तो ऐसे ही हम लोग जब गरीब गुरुओं को जब मदद करेंगे, सहयोग करेंगे, तो उनके अंदर में अन्य धर्म की तरफ या अन्य समाज की तरफ जाने का जो एक मनसा होता है, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनको मदद और प्रेम की वजह से लोग अपना समाज अपना धर्म छोड़ के चले जाते हैं। तो हम भी वही विचार कर रहे थे संजय जी कि हम लोग को इसी तरह से मदद करना चाहिए ताकि ये लोग को भी एक मजबूती मिले। हमारे समाज में इस तरह से पहल आप लोग किए, तो हम फौजी पुलिस के जितने भी सदस्य हैं उनको मैं अपने तरफ से और इस मुड़मा गांव की तरफ से जो आप लोग सहयोग दे रहे हैं, तो उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। विशेषकर जो हमारे शिवदयाल राव जो अध्यक्ष है, वो हम एक बार फ़ोन किया और इस तरह से सहयोग के लिए कदम बढ़ाए, और हमारे मांडर क्षेत्र से जो रांची क्षेत्र से सुखदेव राव है, सुखराव राव है, और इतना ये फोटो दिखाई दे रहे हैं, ये सारे लोग बहुत बेहतरीन तरीके से मदद और सहयोग कर रहे हैं। तो इस गांव के हमारे जो दिशव राव हैं, जो यहाँ पर तन मन से जब से शुरू हुआ तब से वो बिल्कुल सहयोग कर रहे हैं और पूरा मदद कर रहे हैं। उनसे भी चाहेंगे कि इस गांव का जिस तरह से मदद के लिए अभी आगे बढ़ा रहे हैं, और उसके माध्यम से हम चाहेंगे कि जितने भी हमारे नेता है, विधायक है, सांसद है, छोटे बड़े इंजीनियर, सारे लोग सहयोग के लिए आगे कदम बढ़ाए। हम मिश्रा जी भी चाहेंगे कि दो शब्द बताएं इनके लिए, कितना अच्छा से काम कर रहे हैं और सहयोग के लिए कदम बढ़ाएं। जय धर्म। मैं बिरसा राम मुड़मा का हूँ। तो आज हमारे बीच में जो आए हमारे भाई लोग, इसके लिए हमको बहुत बहुत खुशी लगा कि आज देश का सेवा करते हुए अभी हम लोग का समाज के लिए सेवा भी कर रहे हैं। कितना खुशी की बात है। ऐसे अगर हमारे समाज में अगर ऐसे लोग अगर होंगे, तो हमको लगता है समाज हम लोग का नीचे कभी नहीं नीचे रहेगा, जहाँ तक हम लोग का समाज आगे बढ़ते जाएगा। इसलिए हम बहुत खुशी मानते हैं कि और ये चित्रंजन भाई के द्वारा जितना भी यूट्यूब में ये आगे जो बढ़ा रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसी के माध्यम से अभी हर जगह ये सब देखने को मिल भी रहा है, आदमी के एक आपस में परिचय में हो रहा है कि मैंने हाँ ये कौन है, कहाँ के हैं। ऐसे करते करते अभी हम लोग एकजुट होते जा रहे हैं, और ये साक्षात हम लोग के लिए ये सरनामा अपना साक्षात दिखाई दे रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि जितने भी हमारे पुजारी हमारे सरना पुजारी हैं, हम उसको कहेंगे कि ये अपना मन में पक्का विश्वास रखें और ये हम लोग का सरना धर्म को माने, इधर उधर ना भटके। इतनी कहकर मैं सबको जय। तो हम बहन जैसे भी चाहेंगे कि कुछ शब्द बताएं जो कि लोग जो अभी मदद के लिए आगे बढ़ाएं, तो कुछ दिन गए। जय धर्म। जय धर्म। हमारा सरना धर्म कर लिए कि कुछ बहुत चीनी आया, चाना अलग, पत्री अलग, गिलास अलग, हमारे भाई मने चाहे हमारे बेटे मने का है, सब हमने के सहयोग कर लथुन, मदद कर लथुन, इतने हमने के बहुत खुशी है। हमने कर उपास किया, इसलिए एक तारीख के सरना खुलते ऊपर लगिन जोगाड़ कर देवा थथुन हमारे लोहर दगा का बाबूनी को कहा। तो ये बहुत अच्छा है, बहुत इसी तरह से आगे आइए और आप लोग समाज की सेवा कीजिए। हम इसको एक बार दिखा दीजिए, यही है कि हमारे जो सहयोग करने वाले जो कर रहे हैं उनका इन्हीं गणित रूप में चल रहा है। आइए हम सारे लोग मिल के सुंदर समाज और बेहतर समाज और सत्य और प्रकृति का जो पुजारी करते हैं, उस पुजारी के नाते हम लोग सत्य को समझे, प्रेम को समझे, और एक दूसरे के सहयोग और मदद करते हुए सहयोग जो टीम बना है उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप भी सहयोग करना चाहते हैं तो सहयोग कीजिए, और बहुत लोग सहयोग कर भी रहे हैं, अच्छी बात है। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय धर्मेश। जय सरना।